अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पाइनएप्पल पे, जिसे बोलते हैं अनानास। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके मुतलिक तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा और ऐसे इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे आपको बताऊंगा कि आप मजबूर हो जाओगे इसे अपने डाइट प्लान में शामिल करने पर। और इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताऊँगा किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किन तरीक़ों से इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी की तामीर के लिए, आपको ताकत देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हर तरह के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं दोस्तों जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल जो है करना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो वो कौन सी बीमारियाँ, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे और इसके इस्तेमाल के मुतलिक। तो दोस्तों, सवाल आता है कि पाइनएप्पल को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके इस्तेमाल करने से क्या होता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपके जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। इम्यून सिस्टम बोलते हैं कुव्वत मदाफत को, जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है। तो अगर आप कमज़ोर हो, आपको बार बार बीमारियां लग जाती हैं, कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, कभी बुखार, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई भी अगर बीमारी लगेगी तो बहुत मुश्किल से लगेगी, आप में इतनी पावर होगी कि आप बीमारियों के खिलाफ लड़ सको। तो इसी वजह से दोस्तों, जो मरीज़ होते हैं बहुत बहुत बड़ी बीमारियों से निकलते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं, तो डॉक्टरों ने कहते हैं कि आप फ्रूट्स पे ध्यान दीजिए। फ्रूट्स में जो पाइनएप्पल है ये मेन किरदार अदा करता है, ये चीज़ जो है पाइनएप्पल ये मेन चीज़ है फ्रूट्स में। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप पाइनएप्पल का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो वो इसी लिए कहते हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर हो जाता है कि आपको दोबारा कोई बीमारी नहीं लग पाती। तो इसी वजह से दोस्तों इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसका मेन फ़ायदा है। तो इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इसका इस्तेमाल यूँ करना है कि आप 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक मरीज़ की सेहत के मुताबिक आप उसे इस्तेमाल करवाइए, डेली रूटीन वाइज उसे इस्तेमाल करवाइए, उसके डाइट प्लान में ये शामिल कर दीजिए। और एक माह, दो माह तब तक के इस्तेमाल करवाते रहिए जब तक कि वो सेहत याब नहीं हो जाता, और ये उसके जिस्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसे बीमारियों से बचाएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपको कोई खुराक हजम नहीं होती, मतलब आप कोई भी चीज़ खाते हो, प्रोटीन लेते हो, कोई चीज़ लेते हो, तो आपके जिस्म में वो हजम नहीं होती और बग़ैर हजम शुदा जो ग़ज़ा होती है वो पखाने के थ्रू आपकी निकलती है, तो आप इसका अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक पावरफुल हो जाता है। आपको जो भी चीज़ें, जो भी आप खाओगे वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होंगी, आपके जिस्म में ये हज़म करवाएगा उन्हें, आपके मेदे को इतनी कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, विटामिन आपको देगा। विटामिन सी से ये भरपूर है, इसमें बहुत सारा विटामिन सी है, जिसकी वजह से आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है वो भी ऐसे समझ लें कि उसकी रफ़्तार कम हो जाएगी, जिसे पंजाबी में या उर्दू में बोलते हैं काया। आपकी जो काया है वो जो है बरकरार रहेगी, आप लंबे अरसे तक जो है जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। ये इसका दोस्तों मेन फ़ायदा है, आप इस वजह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो अगर आपको दिक्कतें, तनफ्फस का मसला है, सांस रुक रुक के आता है, सांस खुल के नहीं आता, दबा दबा सांस आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको सांस का जो भी प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको दमा ना हो गया तो फ़ौरन आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और लगातार इसका इस्तेमाल करते रहना है। अगर वाकई में दमा होगा तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। और भी हज़ारों तरह की बीमारियाँ होती हैं जिस्म में, जिससे ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके आपके जिस्म को उनसे प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप स्ट्रेस फील करते हो, आपके जेहन पे बोझ सा सवार रहता है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रात को अगर आप सोते हो तो आपको नींद नहीं आती, देर रात आप जागते रहते हो, आंखें बंद भी करते हो फिर भी नींद नहीं आती, तो फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके माइंड को ये फुल रिलैक्स करेगा और आप इसे बहुत अच्छा फील करोगे और अच्छी आपको नींद आएगी। इसके बाद दोस्तों, इसका इस्तेमाल वज़न को कम करने के लिए भी किया जाता है, वेट लॉस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका फैट जो है वो बहुत जल्दी कम होता है। उसके लिए आपने क्या करना है,
कि एक गिलास आपने इसका जूस जो है वो डेली रूटीन वाइज आपने पीना है। अगर आप जूस ना निकाल सको तो आप इसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख लीजिए और 150 से 200 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल करना है। कैसे भी आप कर लीजिए, मुख्तलिफ फलों में मिक्स करके कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, तो आपने इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहना, जिससे आपका फैट जो है वो कम हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस पाइन ऐपल में शुगर की काफ़ी ज़्यादा मकदार होती है, जिसकी वजह से ये आपके जिस्म में, अगर पहले ही आपको शुगर का मसला है तो शुगर की मकदार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो आपने इसका इस्तेमाल शुगर में नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मैदे में इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, स्विलिंग हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, आपको ये उल्टा नुकसान देगा। ये उन अमराज में आपको फ़ायदा देगा जिनमें आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम होगी और बीमारियों की ताकत बढ़ गई है, तो आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देसी चीज़ है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे आपने किन अमराज में इसे इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, इनशाला उसका रिप्लाई हम आपको कर देंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।